try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that? Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 Can we stay here? हाई एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माई चैनल. सो आज का जो ब्लॉग है बड़ा ही आराम वाला और थोड़ा स्लो एंड कोजी इस टाइप का ब्लॉग रहने वाला है. सो आज मुझे आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट दो तीन बातें करनी है, करूँगी लास्ट में करूँगी. ब्लॉग के एंड में हम बातें करेंगे, सीरियस वाले टॉपिक्स हैं थोड़े से. सो आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए. आज मैं मिलने जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए. सो वो एक्चुअली यूएस चली गई थी, यूएस से आई हुई है एंड अभी वो रुकेगी थोड़े दिन और. तो मैंने सोचा चलो वो जाएगी वापस, इससे पहले मैं उससे मिल लेती हूँ. तो आज मैं वहीं जा रही हूँ उसके साथ मिलने के लिए, तो हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे. तो हम लोग जाने वाले डीबी, बिकॉज वो भी थोड़े दूर रहती है, मैं भी थोड़ी दूर रहती हूँ. तो हम दोनों को जो नियर बाय जगह पड़ेगी वो डीबी पड़ेगी. यस, दैट इज द प्लान फॉर टुडे. मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई, बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, बहुत ही ज्यादा ड्राई हो रही है. सो विंटर आ देयर, आप देख सकते हो मुझे, मैं फुल ऑन विंटर वेयर में आ चुकी हूँ. मतलब ठंडक आना स्टार्ट हो चुकी है भोपाल में, ऑलमोस्ट ठंड हो गई है. एंड आई एम श्योर मेरी तरह आप लोग भी काफी सारे लोग जो होंगे वो ड्राई स्किन फेस कर रहे होंगे, इची स्किन, ड्राई स्किन. मेरी भी स्किन बहुत ज्यादा, इवन फेस की स्किन भी एंड इवन हैंड की स्किन भी बहुत ज्यादा ड्राई हो रखी है. हाउ अबाउट ट्राइंग समथिंग जो आपकी मम्मी और ग्रैंड मदर्स ने ट्राई करा हुआ है. द इम्पोर्टेंस ऑफ आयुर्वेदा and the benefits of Ayurvedic ingredients like saffron, sandalwood, etc., etc. तो कभी आपने सोचा है कि कोल्ड क्रीम भी आयुर्वेदिक हो सकती है? Yes, you heard it right. आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ दो ऐसे कोल्ड क्रीम्स जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है. इंट्रोड्यूसिंग यू द ब्रांड आयुगा ब्रिंग्स to you all the new Ayurvedic cold creams in your favorite Kumkumadi and Chandanam range. पहले मैं बताती हूँ आपको Chandanam cold cream के बारे में. ये जो cold cream है, this is enriched with the ingredients like sandalwood, turmeric and 26 precious herbs. It not only brighten up the skin but also keeps it hydrated. एंड प्लम इनर कोको बटर एंड शिया बटर है जो कि आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाता है. बहुत ही लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है. इसका जो अब्सॉर्प्शन है वो बहुत ही क्विकली हो जाता है बॉडी के अंदर, कि स्किन के डीप में पेनिट्रेट करता है और लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजेशन देता है. जस्ट लुक एट द डिफरेंस हियर. बात करते हैं कुमकुमादि कोल्ड क्रीम के लिए. इट्स एनरिच्ड विद आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स लाइक सैफ्रन, लोटस एक्सट्रैक्ट एंड 28 प्रेशियस हर्ब्स, मेकिंग स्किन सॉफ्ट, रेडियंट एंड यूथफुल. It reduces dark spots, pigmentation and dullness. It is extremely lightweight, get absorbed into the skin. इसका जो easy absorption है इसको ideal बनाता है body usage के लिए भी. You can use these cold creams on your face, on your body, on your lips, chapped lips, cracked heels, इन सब जगह पे आप use कर सकते हैं. They are that great. बहुत ही non-greasy है and deep मॉइस्चराइज करती है आपकी स्किन को. द प्रोडक्ट इज सर्टिफाइड बाय आयुष मिनिस्ट्री. सो यस, ये थे प्रोडक्ट. आई रियली लाइक हाउ मॉइस्चराइज्ड माई हैंड फील्स राइट नाउ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी. स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट डिस्काउंट एज वेल. सो आयुगा इज एन आयुर्वेदिक ब्रांड इज रिवाइविंग ओल्ड एज रेसिपीज इन मॉडर्न स्किन केयर. आयुगा प्रोडक्ट्स आर सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री बाय मेडसेफ एंड आर पेटा सर्टिफाइड एज क्रूएल्टी
क्रूएल्टी फ्री. दे ऑनेस्टली डिस्क्लोज द कंसंट्रेशन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन द प्रोडक्ट. युगा जो प्रोडक्ट्स हैं आर आल्सो अवेलेबल ऑन नायका, अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट. सो यस, अब हम बढ़ते हैं आगे. सो करंटली आई एम क्लीनिंग माई रियल ज्वेलरी. तो यूजली 2 to 3 months में मेरी आदत होती है, मैं क्लीन करती ही करती हूँ. आज मैं बट मम्मी की भी क्लीन कर रही हूँ बिकॉज उनकी भी काफ़ी गंदी होगी. तो ये जो डेली वाली होती है ना पहनने की, वो मैं क्लीन कर रही हूँ बिकॉज काफ़ी डस्ट वगैरह एंड डर्ट वगैरह उसमें कलेक्ट हो जाती है. तो उनको इसलिए मैं क्लीन करती हूँ. तो कुछ नहीं, घर पर मैं बहुत आराम से सिंपल तरीके से करती हूँ. पानी नॉर्मली लेती हूँ मैं और उसके अंदर मैं डालती हूँ बेकिंग सोडा एंड रॉक सॉल्ट और थोड़े बहुत लेमन के 2-3 drops आप डाल दीजिए. फिर इसको आपको बॉयल करना होता है 1 hour to 45 minutes. इसमें एक्सेप्शंस हैं कुछ चीज़ों का. जैसे आप सिर्फ रियल जो गोल्ड ज्वेलरी है तो सॉलिड गोल्ड हो वही यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायमंड की ज्वेलरी यूज़ कर सकते हैं. इसमें आप सेमी प्रेशियस स्टोन जो होते हैं ना जो पहनते हैं कुछ लोग, वो नहीं आपको डालना है. ना ही आप इसमें AD डाल सकते हैं, अमेरिकन डायमंड जो होता है वो, ना ही आप इसमें मोज़नाइट डाल सकते हैं क्योंकि हम इसको बहुत देर तक बॉयल करते हैं. और इस तरीके से ब्रश से मैं क्लीन करती हूँ तो हाई चांसेस होते हैं कि आपका जो सेमी प्रीशियस स्टोन है, मोज़नाइट है या AD है, वो निकल सकता है. मेरा निकल चुका है एक, इसलिए मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. सो ट्राई टू यूज़ इट ओनली इधर रियल डायमंड और या फिर आप सॉलिड गोल्ड, वही आप यूज़ करिएगा. और हाँ, यूज़ करने के बाद अच्छे से ब्रश से आप क्लीन करिए और फिर क्लीन वाटर से वॉश कर लीजिए. आपकी जो डायमंड होती है ना वो और ज़्यादा शाइन करने लगती है और साथ ही साथ आपका जो गोल्ड है वो भी बहुत अच्छा शाइन करने लगता है. ओके गाइज, सो आई जस्ट गॉट रेडी एंड मैं बताती हूँ मैंने क्या पहना है. दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, माय वेरी वेरी लूज पैंट, उसके ऊपर जैकेट एंड दिस क्रॉप टॉप. सो वी रीच्ड DB और हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया. ये मेरी शॉपिंग नहीं है, ये मेरी दोस्त की शॉपिंग है. सो यस, वो सब शॉपिंग वॉपिंग करी और वापस घर आ रही थी तब एक बहुत गंदे जाम में फंस गई हूँ मैं. आ गई थी अपने फ्रेंड से मिलने के बाद. मैं स्पेसिफिकली वीडियो में नहीं लाई बिकॉज दो रीजंस हैं. मेरी जो 2 to 3 फ्रेंड हैं दे आर गेटिंग मैरिड. अब क्या हो गया ना, आफ्टर कोविड लोगों को समझ में आ गया है कि एक्चुअली में जो चीज़ें करनी चाहिए वो काफ़ी क्लोज उसमें करनी चाहिए. सो जो जिन लोगों की शादी हो रही है दे वॉन्टेड दे आर वेडिंग इन अ वेरी क्लोज ग्रुप, इन अ वेरी क्लोज फंक्शन. सो अब क्या होता है कि फ्रेंड टू फ्रेंड वाया सब देखते ही हैं, थोड़ा बहुत तो देख ही लेते हैं. और स्पेशली जो नहीं देखना होता वो वाला वीडियो जरूर देख लेते हैं. सो दैट्स वाई थोड़े इस रीजन से मैंने उन लोगों को नहीं शेयर किया है. उनकी शादी जब हो जाएगी और वो लोग कंफर्टेबल हो जाएंगी तब मैं ज़रूर, जब वो आएंगी मिलने मिलने के लिए तब मैं ज़रूर वीडियो में शेयर करूंगी, पर इसलिए मैंने उसको नहीं दिखाया. तो हमने शॉपिंग वगैरह करी, नॉसी बेसिक चीज़ें वगैरह लेनी थी वो ली. उसके बाद फिर मैं घर आ गई. घर आने के बाद भाई साहब मेरा जो कंजेशन हुआ है नोज़ में इतना खतरनाक लेवल का हुआ कि मेरा हेडेक होने लग गया था. एंड देन आई स्लेप्ट. मुझे खतरनाक लेवल की सर्दी हो चुकी है. सो इसलिए फिर मैंने कंटिन्यू नहीं करा. तो अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. सो इस वाले अभी मैं आगे जो आपके साथ मैंने बताया था ना वीडियो के स्टार्टिंग में, मुझे कुछ चीज़ें शेयर करनी है आप लोगों के साथ. कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके मुझे आंसर करने हैं. बाय द वे आप सोचोगे यार आपको रुचि इतना सर्दी हो रही है, आप इतना तैयार होकर क्यों घूम रही, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी. अब भी जस्ट मैंने वीडियो फिल्म करके ख़त्म हुई हूँ जिसमें सभी फैलारा सब फैला हुआ है. जो Q&A वीडियो मैंने डाला था उसमें आपने एक पॉइंट देखा होगा, यूजुअली सबके बहुत अच्छे कमेंट्स आए. दैट्स वेरी गुड थिंग. सबके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए जिसके लिए आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. अब क्या हुआ ना, उसमें एक कमेंट ऐसा था, कोई मेहता थी, मुझे उनका पूरा नाम नहीं पता है, बट आई एम श्योर शी वॉच माई वीडियो. रेगुलर व्यूअर होंगी क्योंकि मैंने जो थंबनेल लगाया था ना वो कोई बहुत ऐसा कैची थंबनेल नहीं था कि कोई अननोन आकर के उसको क्लिक करेगा. रोतरे धोतरे वर्ड्स नहीं थे, कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं थी. सिंपल मैंने Q&A विद सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फन टू मच फन ऐसे करके नॉर्मल डाला हुआ था. तो मुझे इतना तो जरूर 100% पता है कि वही लोग आकर के वो वीडियो देखेंगे जो लोग मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं. नया व्यूअर के लिए वो कोई कैची चीज़ नहीं है उसमें, राइट? तो डेफिनेटली वो मेरी व्यूअर होंगी. उन्होंने उसमें मुझे कॉमेंट किया कि आपको एक पार्ट याद होगा जिसमें ना बीच में एकदम से विक्की आ गया है और मैं भाग करके गई हूँ और फिर मिक्की और मैं पीछे बातें कर रहे हैं. तीनों भी हमसे बात करने लगी और हम तीनों आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और सैम कंटिन्यूसली बोल रहा है, ठीक है? अब इसके 2 scenarios थे. एक तो सबसे पहला रीज़न ये था कि जहाँ विक्की आया था ना, हमारा जो ऊपर शीश महल है, अगर आप मेरे OG फॉलोअर्स हैं तो यू नो कि हमने एक ऊपर कमरा बनवाया था, वो उसमें से मुझे दिख रहा था कि विक्की बाहर खड़ा हुआ है, तो गेट वेट लॉक करके थे, तो मैं दौड़ी थी गेट ओपन करने के लिए. दूसरी चीज़ ये हुई कि मैंने फिर दोबारा, क्योंकि सैम ने इतने अच्छे से आंसर कर दिया था, तो मैंने उसको दोबारा ये नहीं बोला कि यार चल कट करते हैं फिर से तू उसका आंसर दे. बहुत रॉ फॉर्म रखा है मैंने उस पूरे Q&A का. आप देखोगे ना तो हम जो मस्ती कर रहे हैं हर चीज़ उसमें इंक्लूड करी है बिकॉज दिस इज
द वे वी आर. मेरे को ये कमेंट आया था, रुचि आपने जो जब ये पार्ट हुआ था ये बहुत ही घटिया पार्ट था, ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल पार्ट था, सैम की आपने डिसरिस्पेक्ट करी है और करी दिस लुक्स वेरी चीप एंड डिसरिस्पेक्टफुल, ऐसे कैसे कर सकते हो, इतनी तमीज नहीं है क्या, मैनर्स नहीं है क्या, ढिमका फला. सबसे पहली चीज तो वीडियो में हम मस्ती कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, उस पूरे अच्छे वीडियो में से आपने क्या पार्ट निकाला, एक छोटा सा नेगेटिव पार्ट निकाला जो मुझे लगता है किसी और ने पिन पॉइंट किया भी नहीं. मैंने भी वो वीडियो एडिट किया है, मैं भी जब एडिट करती हूँ और स्पेशली Q&A को मैं डबल क्रॉस चेक करती हूँ कि मैंने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बोल दी जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था. और फिर Q&A क्योंकि मैं तो फ्लो में बोलती हूँ भाई, तो इसलिए मैं चेक जरूर करती हूँ. तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा था, इट्स यू हु थिंक्स लाइक दिस. और बहुत ही मतलब मुझे बहुत अजीब लगा वो पढ़ करके, प्रोफाइल में जाकर के देखा तो वो फर्स्ट कॉमेंट था जो उन्होंने आज तक मेरे चैनल पे किया है. तो इतनी सारी अच्छी चीज़ें जो मैंने आज तक करी हुई हैं, मैंने कभी मैडम आपका कॉमेंट नहीं देखा है. आपने उस पूरे वीडियो में भी इतनी सारी अच्छी चीज़ें थी, आपने एक कॉमेंट नहीं किया, आपने अच्छा हेल्दी क्रिटिसिज्म भी नहीं दिया, आपने सीधे क्या करा मेरे ऊपर चढ़ गई आकर के से आप मेरी गलती निकालने के लिए बैठी हुई थी कि ये कुछ गलती करे, क्योंकि वैसे तो यूजुअल ब्लॉग में आप मेरी गलती निकाल नहीं पाते होगे. मैं थैंकफुली आपके जैसा कोई भी मेरे परिवार में नहीं है भाई, इनके जैसे लोग अगर फैमिलीज में होने लग गए ना तो वो फालतू की नहीं ना चिंगारी और आग लगाते हैं, ये वैसे आग लगाने का काम करते हैं, जहां झगड़े नहीं होना हो रहा हो ना वहां ये झगड़ा करवा दें कुछ का कुछ बोल करके. नाउ सेकेंड इज, काफ़ी सारे मुझे जैसे इस तरीके के कमेंट्स आए हैं जैसे कि अकल साइंस को लेकर के, कि आपकी जैसी एजुकेटेड इंसान अकल साइंस में कैसे आ गई, आप ऐसे कैसे अंधविश्वास कर सकते हो, आप सुपरस्टिशियस बातें कर रहे हो, या आप ये सब सुपरस्टिशियस होता है, लाइफ में जो होना होता है वो तो होता ही, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो. एक और मैडम ने तो मेरे को इस तरीके का कॉमेंट किया था, सब फालतू की बकवास है, क्या वास्तु से आप प्रलय आ जाता है, भूकंप आ जाता है, उसको रोक सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनका आंसर ये करना चाहूँगी कि पहले तो आप लोग थोड़ी अपनी वोकैबलरी क्लीन करिए, क्लियर करिए कि वास्तु होता क्या है, एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, न्यूमरोलॉजी होती क्या है, मतलब ये कोई लॉजिक है कोई तो क्या बोलने का कि जो भी भूकंप आता है या जो भी नेचुरल कैलामिटीज होती है उसको हम वास्तु से ठीक कर सकते हैं, कोई बात, ये कोई बात है बोलने की. मेरे ठीक सोचती है कि इन्हें किस चीज़ से क्या कनेक्ट कर दिया. एंड अगेन मैंने उनको आंसर देना भी ज़रूरी नहीं समझा, वो अभी भी मेरे पास कॉमेंट पड़ा ही हुआ है एक वीडियो के नीचे. क्यों मैंने आंसर देना जरूरी नहीं समझा, मुझे लगा ABCD ही नहीं पता है उसको मैं सेंटेंस कैसे समझाऊंगी, राइट. तो मैंने कुछ नहीं उनको बोला. अगर आप लोगों के दिमाग में भी ऐसा कुछ आता है कि वाई आई एम इनटू अकल साइंस में, कैसे अकल साइंस में घुस गई, फर्स्ट ऑफ ऑल अकल साइंस जो उसका नाम है इसका मतलब क्या होता है वो समझिए. ये एक साइंस है, ठीक है, इसको आप एज अ सुपरस्टिशियस फालतू की बातें ये सब मत लेकर के समझिए. और अगर आपको नहीं बिलीव करना है तो आप बिल्कुल मत बिलीव करिए. एक और चीज़ जो जिन लोगों को लगता होगा कि क्या एग्जैक्टली होता है अकल साइंस से, क्या हमारी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी, क्या हमारा ये चेंज हो जाएगा, क्या हमारा वो चेंज हो जाएगा, मैं एक बहुत सिंपल सी लेमैन लैंग्वेज में आपको कुछ बताना चाहती हूँ. दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर डेस्टिनी. नाउ अब आपको यहाँ से डेस्टिनी तक पहुँचने के लिए ब्रह्मांड की कोई चीज़ नहीं बदल सकती है, मतलब होना वही है जो एट द एंड होना है. बट वॉट अकल साइंस हेल्प्स है ना, आपको कोई रास्ता यहाँ से यहाँ तक जाना है, अगर आप साइकिल से जाओगे तो आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी, बशर्ते अगर आप कार से जाओगे आरामदायक, आपको वो रास्ता बड़ा मजेदार लगेगा, आप गाने भी चलाओगे, आप रिलैक्सिंग एंड लग्जूरियस वे में जा रहे हो. सो ये दो डिफरेंस है, दिस ओनली दिस इज द डिफरेंस. अनदर एग्जांपल इज नाउ व्हाट अकल साइंस डज इज, जैसे कि हमारी बॉडी, अगर हमारी बॉडी में वात पित्त और कफ डिसबैलेंस हो जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी में अभी कफ बढ़ गया है तो मुझे क्या हो गया, कोल्ड हो गया है, कंजेशन फील हो रहा है, सर्दी हो गई, खांसी हो गई मुझे, है ना, ये मेरा क्या हो गया, कफ इंक्रीज हो गया. द मोमेंट आई विल बैलेंस माई कफ तो मेरा बॉडी ठीक हो जाएगा. इसी तरीके के एनर्जीज भी होती है, समटाइम्स हमारी जो एनर्जीज होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है. सो द मोमेंट हम उस जो हायर एनर्जी होती है जो हमको नुकसान दे रही है उसको हम नॉर्मलाइज कर देते हैं तो हमारी चीज़ें नॉर्मल होने लगती है. समटाइम्स कुछ एनर्जी लो हो जाती है तो हमको एनर्जीज को भी बैलेंस करना होता है. सो दिस इज व्हाट अकल साइंस डज, ये पूरी कैलकुलेशंस होती है. दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकल साइंस, आई होप मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया हो. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आई एम डूइंग लॉट ऑफ ब्रांड वीडियोस. आई अग्री, मैं इसलिए ब्रांड वीडियोस कर रही हूँ बिकॉज जब मेरे पापा का सिनेरियो हुआ था उस वन मंथ में तो मैंने कोई वीडियो ही नहीं किया था और उसके नेक्स्ट मंथ में भी मैंने एक या दो वीडियोस करे हैं. थोड़ा पैसा तो मैं भी कमाऊंगी यार, मैं भी कमाने के लिए बैठी हुई हूँ, तो इसलिए वो सब चीज़ों को थोड़ा कॉम्पनसेट करने के लिए मैं अभी ब्रांड वीडियोस ज़्यादा कर रही हूँ. लास्ट ईयर एट द टाइम ऑफ मेरी मम्मी का जो टाइम था ना तब भी मैंने वीडियोस नहीं बनाए थे. 15 डेज के बाद जब मेरी मम्मी बिल्कुल घर आ गई थी और सब कुछ नॉर्मल हो गया था, मैंने सिर्फ एक अपडेट डाल दिया था, अपडेट वीडियो कि एक्चुअली में हुआ क्या था. उसके बाद भी मैं बहुत स्लो हो गई थी. जब मेरी मम्मी प्रॉपर रिकवर कर गई थी 1 मंथ 1.5 मंथ के बाद, तब मैं नॉर्मल वीडियोज़ बनाने लग गई थी. सो आई रिमेंबर देयर इज़ वन यूट्यूबर,
आई विल नॉट टेक हर नेम. सो शी लिटरली मैसेज्ड मी. उन्होंने नॉर्मली पहले तो मम्मी की हेल्थ का अपडेट लिया एंड देन शी आस्क्ड मी कि अरे तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, फीमेल्स को होती रहती है, वाई आर यू नॉट मेकिंग वीडियो. सो मैंने कहा आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ हर, मैं भी उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ. और उस टाइम हम मूव हुए ही थे मुंबई से यहाँ पे. तो शी लिटरली सेंड मी यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक गुड कॉन्टेंट, बहुत अच्छे से अपने टाइटल्स को सिंपथाइज कर सकती हो एंड पीपल कैन कम एंड वॉच यू. तो शी मेड दिस काइंड ऑफ वीडियोज एंड लिटरली गेव हर दिस आंसर. मैंने कहा यार इतनी चीप नहीं हूँ मैं और इतना कम टैलेंट भी नहीं है मेरे अंदर, किस नौबत की जरूरत आ जाएगी मुझे पैसा कमाने के लिए किसी की हॉस्पिटल सिचुएशन रोना धोना मॉनिटाइज करने की जरूरत पड़े. मैंने लिटरली उस बंदी को ऐसा बोला एंड उस दिन के बाद से ना वो मुझे मैसेज करती है ना मैं उसको मैसेज करती हूँ ना कोई कॉल आता है. मतलब शी वॉज नॉट माई वेरी गुड फ्रेंड बट या वी यूज टू टॉक थोड़ा बहुत वर्क रिलेटेड एंड ऑल. तो ये एक सिचुएशन हुई है. तो भाई बहुत मुंह पे बोलने वाली इंसान हूँ, मुझे जो मन में आता है वो मैं बोलती हूँ, मन में नहीं रखती हूँ एंड जो मुझे सही लगता है वो मैं बिल्कुल बोलती हूँ. और आप मुझे प्लीज करेक्ट करना अगर मैं यहाँ पर कुछ भी सेंटेंस गलत बोल रही हूँ. तो डेफिनेटली रिस्पेक्ट माई वर्क. सिचुएशन में भी बोलते हैं कि क्योंकि ये हमारा काम है इसलिए हम काम कर रहे हैं. मैं आपको एक बात बताती हूँ बहुत सीधी सी, जब ये जो सिचुएशन हुई थी, जब मेरी मम्मी का भी ये सिचुएशन हुआ था ना, तब विक्की तक ने छुट्टी ले ली थी. जब जितने भी दिन की हमारी जरूरत थी ना तब तक के लिए छुट्टी ले ली थी. तो जो नॉर्मल जॉब कर रहा होता है ना वो भी जब ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाती है तो वो छुट्टी लेता है अपने काम से, ब्रेक लेता है. आई अग्री लाइफस्टाइल व्लॉगिंग इज अ वर्क एज वेल, आई रिस्पेक्ट दैट वर्क है ना फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. बट मुझे ये चीज़ बहुत गलत लगती है कि आपके पेरेंट्स की तबीयत खराब है, आपके पार्टनर की तबीयत खराब है, आपके बच्चे की तबीयत खराब है, आपके घर में किसी भी एक्स वाई जेड की तबीयत खराब है, आपके पेट की तबीयत खराब है, लोग उसको मोनेटाइज करते हैं, कैची थंबनेल्स डालते हैं, रोते हुए थंबनेल्स डालते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक वीडियो बनाया है, आपने मेरा भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें मैं थोड़ा सा रोई, तो मैं तब भी नहीं थी, मेरी आंखों में सिर्फ वो क्योंकि मैं बहुत रो ली थी तो मेरा चेहरा ऐसा हो गया था, नोज रेड हो गई थी और आंखों में पानी भरा हुआ था, अदरवाइज मैं रो तब भी नहीं रही थी वीडियो में. ठीक है कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं लाइफ में, ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं कि आप शायद कभी भी उनको बोलोगे तो आपकी आंखों में आपका दिल भर जाएगा. दैट्स टोटली फाइन. आप कंसिडर कर रहे हो सामने वाले को, अपनी फैमिली कंसिडर कर रहे हो, तो वो होता है ना, आप कभी कभी किसी क्लोज के सामने बोलते हो चीज़ें तो भर जाता है मन. तो दैट्स टोटली फाइन. मुझे वो सब भी गलत नहीं लगता है. मुझे गलत क्या लगता है, आप पूरे 10 मिनट का वीडियो आपने बनाया, 2 मिनट के लिए आप रोए, आपके पास आप अपने सेंसेस में नहीं थे, आप इतना दुखी थे, उस दुख में भी आप इतने मनी माइंडेड थे कि आपने वो जो 2 मिनट के लिए आप रोए हो वो उठा करके आपने थंबनेल में चिपका दिया. आपको ऐसा लगता है कि यार अपने आंसुओं की तो कीमत मत लगाओ कम से कम. क्या इतने छोटे हैं आपके आंसू कि आप थंबनेल में वो चिपका करके लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ऑडियंस अट्रैक्ट कर रहे हो? एंड डेफिनेटली आप जब थंबनेल में रोता हुआ अपना एक पिक्चर लगा दोगे और एक बहुत सैड सा टाइटल लगा दोगे, पीपल विल एनीवेज कम एंड वॉच इट. मैंने इंस्टाग्राम पे एक मूवी आ रही थी आमिर खान की, कोई तो भी मूवी थी, मेरे को उसका नाम भी ऊपर ये भांडा फोड़ा था उस टाइम पे कि भाई ये जो मूवीज जो लोग देखने जा रहे हैं पेड प्रमोशंस हो रहा है, क्योंकि मेरे पास भी कॉल आया था. एक पेज है जहाँ पर बड़ा बवाल हो गया था मेरे इस पोस्ट को लेकर के, तो उसमें कुछ लोगों के ऐसे कॉमेंट आए थे, दिस इज जस्ट अ चीप पब्लिसिटी स्टंट बाय अ गर्ल नेक्स्ट डोर, इसके ऑडियंस इतनी ज़्यादा तो है नहीं, तो इसलिए इसको ऑडियंस अटैक करने के लिए इसने इंस्टाग्राम पे एक बहुत ही चीप पब्लिसिटी स्टंट मारा हुआ है. मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई, और वहाँ पर लिटरली जो कुछ मेरी ऑडियंस है जो मुझे देखती होगी उन लोगों ने वहाँ पर ये कमेंट भी लिखा कि हम इस बंदी को जानते हैं, ये चीप पब्लिसिटी स्टंट कभी नहीं करेगी, शी इज़ नॉट डूइंग दिस फॉर मनी फॉर श्योर. उसके उस पोस्ट पे भी जिसने ये लिखे थे ना उसके पोस्ट में बीच और भी काफ़ी सारे कॉमेंट थे जो इसमें अग्री कर रहे थे. लिटरली आई फेल्ट सो गुड, मुझे तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, मुझे इतना अच्छा लगा था कि चलो ये मैंने अर्न किया है, यहाँ पर कोई है जो मेरा स्टैंड ले रहा है, जिसको पता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, किसी को पता है कि थोड़े बहुत पैसों के लिए मैं ऐसी चीप हरकत कभी नहीं करूँगी. सो दिस इज़ वॉट आई अर्न, राइट, दिस इज़ वॉट आई अर्न. तो हाँ, तो अभी जो मैंने बहुत सारी बातें कर दी, आई एम सो सॉरी, मेरा आज बात करने का मन था तो इसलिए मैंने बस अपनी बातें करी हैं आप लोगों से. डू लेट मी नो अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता हो कि मैंने ज़्यादा ओवर द टॉप बोल दिया या मैंने गलत बोल दिया है, आप डेफिनेटली मुझे नीचे कॉमेंट करके सही कर सकते हो. सकता है गलत ट्रैक पर मेरी थिंकिंग चल रही होगी. वैसे मुझे आज इतना बोलना नहीं था बिकॉज माई नोज इज़ कम्प्लीटली ब्लॉक एंड आई एम हैविंग माई देसी नुस्खा. मैं आज का वीडियो यहीं खत्म करती हूँ. वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.